हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टेक्निकल फाइल्स। दोस्तों, आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड, नॉलेजेबल और यूज़फुल होने वाला है। इस वीडियो को आप एंड तक देखना ताकि आप अगर एक क्रिएटर होगे, कुछ भी होगे, स्टूडेंट होगे, तभी भी आप अच्छा खासा प्लेटफॉर्म जनरेट कर सकते हो, इनकम कर सकते हो। ठीक है, यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ इनकम के लिए ही मैं बना रहा हूँ। ठीक है, लोग घर बैठे रहते हैं। ठीक है, देखो कुछ स्टूडेंट हैं, कुछ लड़के हैं जो YouTube से, उनको बिल्कुल भी पता नहीं है कि भाई YouTube से इनकम होता है या भी नहीं होता है। ठीक है, तो उन लोगों को मैं यही रिकमेंडेड करूँगा कि भाई वो YouTube पर वर्क करें। ठीक है, जैसे सब लोग कर रहे हैं वैसे वो भी करें। एंड मैं ये भी कहने वाला हूँ कि चार बातें मैं बताऊँगा, चार ऐसे ट्रिक्स बताऊँगा जिससे आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो। नॉर्मली अच्छी खासी नहीं, मैं बता रहा हूँ लाखपति हो जाओगे, करोड़पति हो जाओ, बट आप एक जैसे नॉर्मल इनकम कर सकते हो, 10 से 15 हज़ार या 6 हज़ार 5 हज़ार ऐसे कर सकते हो, और ये स्टूडेंट के लिए बहुत ही बड़ी बात होती है। ठीक है, तो वो कौन सी बातें हैं, वीडियो को लास्ट तक वॉच करना। ठीक है, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, वीडियो को एंड तक वॉच करते रहिए आप, ताकि आपको एक अच्छा सा आइडिया मिल जाए। पहली बात, अगर आपका चैनल मोनेटाइज है, चैनल मोनेटाइज होना बहुत ही ज़रूरी है, और नहीं भी ज़रूरी है अगर आपका व्यूज आता है। अगर व्यूज आएगा तो भाई तो वॉच टाइम तो कंप्लीट हो गई, इससे यूट्यूब का क्राइटेरिया भी आपका कंप्लीट हो जा रहा है, जिसे आप कंप्लीटली मोनेटाइज कर सकते हैं अपने यूट्यूब चैनल को। सबसे पहले यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज होना ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद आपका इनकम स्टार्ट हो जाता है यूट्यूब मोनेटाइजेशन से, यानी गूगल एडसेंस से हो जाता है। सेकेंड तरीका है, वहाँ से इनकम कर सकते हैं। सेकेंड तरीका है लाइव चैट, सुपर चैट, ये भी एक मोनेटाइजेशन के थ्रू ही होता है। अगर आपका चैनल मोनेटाइज नहीं है तो आपका नहीं होगा, अगर मोनेटाइजेशन है तो लाइव चैटिंग, लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं, जिससे सुपर चैट आपको मिलेगा, सुपर स्टिकर मिलेगा, इससे अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं लोग जितना आपको गिव करें। एंड आ जाता है नेक्स्ट, जो कि मैं थोड़ा बहुत यूज करता हूँ बट अभी मैं जल्दी से स्टार्ट किया हूँ, एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन है, यानी कि अमेजॉन है और बहुत सारे वेबसाइट हैं। ठीक है, इस पर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा अगर आप बोलेंगे कि। वैसे अमेजॉन एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जिससे आप अच्छा खासा पैसे भी देता है, यानी कि कमीशन अच्छा खासा देता है, एफिलिएट में कमीशन ही बोलते हैं एक प्रकार से, तो अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। लास्ट आ जा रहा है चौथा नंबर, स्पॉन्सरशिप। गाइस, आप विश्वास नहीं करोगे, स्पॉन्सरशिप बहुत ही ज़्यादा अर्निंग है। जितना आप गूगल एडसेंस से कमाते हो महीना, उसका एक ही बार में ही, यानी स्पॉन्सरशिप पे ही मिल जाता है। स्पॉन्सरशिप पर फोकस कैसे किया जाता है तो मैं आपको बता ही चुका हूँ ऑलरेडी, कि भाई आपको दबा के व्यूज लाने, और जब व्यूज लाएंगे तभी कंपनी आपसे कॉन्टेक्ट करेगी। ऐसे नहीं करेगी भाई आपका 100 व्यूज 200 व्यूज आ रहा है तो भाई मेरा एक स्पॉन्सरशिप ले लो और फिर ये करो, ऐसा कुछ नहीं होता। जब आपका व्यूज आएगा सब्सक्राइबर पर, यहाँ सब्सक्राइबर का मैं तो जानता हूँ कहीं कोई मतलब नहीं, बस एक अवार्ड के लिए और फैन फेस्ट के लिए ही ज़रूरी होता है सब्सक्राइबर। वरना अगर आपका 1 लाख 2 लाख व्यूज आ रहा है, सब्सक्राइबर 10 से 15 हज़ार है तो भी बहुत है। ठीक है, बस व्यूज दबा के आना चाहिए। अगर व्यूज आएगा तो सब्सक्राइबर जरूर गेन होगा, और सब्सक्राइबर गेन हो, वॉच टाइम गेन हो, इससे आपका चैनल भी मोनेटाइज होगा, इजीली मोनेटाइजेशन हो जाएगा। मोनेटाइजेशन में अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुई तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कीजिए इंस्टाग्राम पे, इंस्टाग्राम आईडी है टेक्निकल फाइल्स। अगर एडसेंस में कोई एरर आ रही है तभी भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, बाकी सबके लिए मैं हूँ। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि इस तरह के लेटेस्ट वीडियो की न्यूज़ हमेशा आपको मिलते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही, जय हिंद, जय भारत।